अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके के साथ आपको मंडी के रेट्स और अपडेट्स वगैरह से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दें, लेकिन हमें आप लोगों से एक शिकवा है कि आप कमेंट्स में हमारी हौसला अफज़ाई नहीं करते, आप हमें बताते नहीं हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आप खुलकर अपनी राय का इजहार किया करें और हमें बताया करें कि हम जो आपको रेट्स फ्राहम करते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों के आप लोग ख्वाहिशमंद हो कि हम अपने चैनल के अंदर उनको ऐड करें। आप लोगों की राय हमारे इस चैनल को चार चांद लगा देगी। तो आज के रेट बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो वीडियो है इसके ऊपर कम से कम ढेर सारे कमेंट्स आने चाहिए और आप लोगों ने हमें कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप रेट्स के अलावा और क्या चीज़ हमसे डिमांड करते हो। तो ये आज आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। आज के रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। गल्ला मंडी पिपला में आज मूंगी का फ़ी मन का रेट 5,400 रुपये कम से कम था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 5,600 रुपये रिकॉर्ड हुआ है। सरगोधा में 5,700 रुपये से लेकर 5,800 रुपये, जबकि फैसलाबाद में कम से कम 5,850 रुपये से लेकर 5,900 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रेट रहा है। कपास के हवाला से आपको मैं अपडेट करता चलूं, 3,500 रुपये कम से कम गल्ला मंडी पिपला का रेट था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3,800 रुपये था। ग्वारा जो है फ़ी बोरी कम से कम 5,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5,300 रुपये था। चना फ़ी बोरी 9,200 रुपये से लेकर 9,600 रुपये, ये मैंने आपको गल्ला मंडी पिपला का रेट बताया है, जबकि सरगोधा का 9,700 रुपये से लेकर 9,750 रुपये है। मुझे कोई इतना डिफरेंस इसमें नज़र नहीं आ रहा। फैसलाबाद के हवाले से मैं बात करूं तो इसमें 9,450 रुपये से लेकर 9,500 रुपये चने का रेट देखने में आया है। गंदम के हवाले से फ़ी बोरी का रेट जो है पिपला का मैं बताता हूँ, 5,150 रुपये से लेकर 5,350 रुपये गंदम का रेट था पिपला का। इसके अलावा मूंगी अगर हम मुल्तान के हवाले से आपको बताएं तो 5,650 रुपये, जबकि हैदराबाद सिंध में 5,700 रुपये। चने का रेट फ़ी मन 3,850 रुपये मुल्तान, जबकि हैदराबाद सिंध में 4,150 रुपये। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से रेट की अपडेट आपको देता चलूं, 4,250 रुपये था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।